दिन से डिमांड आ रही थी इंडक्शन चूल्हे के ऊपर जो लेके आई है कंपोनेंट जो कि उसके अंदर लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एसएमडी टैप भी आईसी आ चुकी हैं, ये इंडक्शन के अंदर लगती हैं, अलग अलग टाइप के टाइमर आईसी, यहाँ पे कुछ माइक्रो कंट्रोलर और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आईजीवीटी भी आ चुकी हैं। ठीक, ये आईजीवीटी है, इसमें देखिए ओल्ड भी मिल जाएगी जो यूज्ड होती है, ओरिजिनल और न्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईजीवीटी वगैरह सारे टाइप के मॉस्फेट जो इन्वर्टर में लगते हैं, एम्पलीफायर की आईसी, तो सारी आईसी यहाँ पे आ चुकी हैं। आप देख सकते हो कितने ज़्यादा टाइप के यहाँ पे इस टाइप के कॉम्पोनेंट हैं हमारे पास। वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स मैं आज की वीडियो में आपको बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट दिखाऊंगा जिसमें सबसे ज़्यादा मेन होंगे ट्रांजिस्टर मॉस्फेट रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आईसी। ये जो होते हैं ना ट्रांजिस्टर मॉस्फेट रेजिस्टेंस कैपेसिटर आईसी, ये लोकल मार्केट में नहीं मिल पाते सारी वैल्यू की एक ही जगह पे, या तो आपको बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, अगर आप किसी बड़ी मार्केट में भी जाओगे ना वहीं पर भी आपको ये एक ही शॉप पे नहीं मिल पाएगा और कम क्वांटिटी में नहीं मिल पाएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेना होगा, अगर मिल गया तो, वरना मिलता ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत टाइप की रेजिस्टेंस कैपेसिटर आईसी डायोड मॉस्फेट ट्रांजिस्टर साथ ही टूल्स इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड आइटम एलईडी बल्ब से रिलेटेड आइटम लाइट्स सब कुछ दिखाऊंगा। मोटर्स होंगी जिसमें बहुत टाइप एम्पलीफायर की आईसी होंगी, एम्पलीफायर से रिलेटेड ट्रांजिस्टर्स होंगे, कुछ रेजिस्टेंस होंगे यानी एम्पलीफायर के अंदर लगने वाले कुछ कनेक्टर्स, जो भी आइटम्स होता है वो सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। साथ ही आपको यहाँ पर रोबोटिक से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सामान मिल जाएगा, जैसे रोबोटिक भी हो गए, गियर मोटर हो गई, सर्वो मोटर हो गई, ड्रोन मोटर हो गई, ESC हो गई, सब कुछ हमारे मार्ट पर डला हुआ है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप जाके विस्ट करना, जो भी आपको पसंद आए ऐड टू कार्ड कर देना, ऐड टू कार्ड करते ही एक कार्ड बन के आपके पास टोटल हो जाएगा, टोटल होते ही आप उसको मेरे को प्लेस ऑर्डर कर सकते हो और अपना पेमेंट डाल के एड्रेस भेज देना है, 5 से 6 दिन में आपके यहाँ पर सामान आ जाता है। कभी कभी हॉलीडेज की वजह से जो है छुट्टी पड़ जाती है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, 10 से 12 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन फ्रॉड कभी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप जाइए वहाँ से विश कीजिए, आपको जो भी सामान पसंद आए काफ़ी चीप प्राइस में जो आप बाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको हर एक सामान का रिव्यू दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो, जो भी पसंद आए बाई कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ पहले कॉम्पोनेंट ही, सबसे पहले कॉम्पोनेंट ही दिखाऊंगा। इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी छोटे कॉम्पोनेंट जो कि IGBT हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे टाइप पास जो है 3 से 4 टाइप की IGBT आ चुकी हैं। ये लगती हैं फ्रेंड्स IGBT इंडक्शन चूल्हे के अंदर, और इसमें ये ओल्ड जो होती हैं वो पुरानी PCB से निकाली जाती हैं जो कि बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं, 100% ओके टेस्टेड होती हैं। उसके बाद थोड़ी सी न्यू भी आ चुकी हैं, आप न्यू लेना चाहो तो न्यू ले सकते हो, न्यू ओरिजिनल नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे एम्पलीफायर की आईसी आ गई, जैसे 2050 हो गई, ठीक है। उसके बाद ये कुछ रेगुलेटर आ गए, इन्वर्टर के अंदर लगने वाली सारे मॉस्फेट मिल जाएंगे, जैसे Z44, P55, IRF 540, ठीक है, जितने भी ये मॉस्फेट होते हैं 3205 सारी मिल जाएंगी। साथ ही ये आईसी मिल जाएंगी LM324 हो गया, या LM358 हो गया, LM855 हो गया, जो है 555 जिसे हम बोलते हैं, सारी आईसी मिल जाएंगी। और SMD कंपोनेंट भी आ चुके हैं, फर्स्ट टाइम आए हमारे मार्केट पे SMD कंपोनेंट, तो आप SMD कंपोनेंट भी बाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स नॉर्मल यूज़ के लिए हो गए कुछ कंपोनेंट, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल यूज़ के कंपोनेंट, जैसे कि ये PCB LED हो गई, PCB पे माउंटेड है, हाई ब्राइट है, 2 वॉट की LED है ये, इस टाइप के पूरे 200 पीस का सेट होता है ये, आप देख सकते हो 200 नहीं 300 यहाँ पे ये LED है, 50 पीस का एक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो 300 पीस यहाँ पे जो है LED सेट आ चुका है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स BMS के ऊपर, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये BMS आ चुके हैं 20 एम्पियर के, आप देखो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में 20 एम्पियर के ये BMS है, और ये 3S में, हमारे पास 4S में भी मिल जाएगा, 40 एम्पियर भी मिल जाएगा, 10 एम्पियर भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये कुछ LED हो गई, 8mm की LED है ये, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो कैपेसिटर मिल जाएंगे हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटी के, अलग अलग वैल्यू के और अलग अलग वोल्टेज के सारे कैपेसिटर मिल जाएंगे सैंपल के लिए यहाँ पे रखे हुए। टूल्स की बात करें तो टूल्स में देखिए जैसे ये EGO 07 का कटर हो गया, ठीक है, इस टाइप का ये कटर हो गया, ये न्यू आया है MT-028X, ये ठीक है, ये वाले सारे कटर हमारे पास मिल जाएंगे इस टाइप के, और भी शोल्डर आयरन वगैरह भी मिल जाएगा, शोल्डर आयरन के स्टैंड भी मिल जाएंगे, मैं आपको वो भी दिखा दूँ, जैसे ये शोल्डर आयरन के स्टैंड हो गए तो आप मार्ट पे जाके देखना, करीबन 700 प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है मार्ट पे। उसके बाद ये नाइफ आ गई, और इस नाइफ के ब्लेड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, नाइफ के ब्लेड भी आ चुके हैं, वो मैं आपको वीडियो के आगे दिखाऊंगा, वीडियो में आगे आपको देखने को मिल जाएगा। और भी यहाँ पर ट्यूजर वगैरह ये भी सारे टूल्स आए हैं, जैसे ये ट्यूजर हो गए, ये स्ट्रेट ट्यूजर हो गए, फ्लैट ट्यूजर हो गए, ठीक है,
और इसमें कर्व्ड डिफ्यूजर भी आ चुके हैं यहाँ पे, ये वाले कर्व्ड डिफ्यूजर हो गए, और ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए टूल्स हो गए हैं छोटे छोटे। तो ये सारे टाइप के ट्यूजर वगैरह, स्क्रू ड्राइवर, सारे ए टू जेड यानी छोटे से लेके बड़े तक सारे स्क्रू ड्राइवर्स हमारे पास मिल जाएंगे। काफ़ी हैवी क्वालिटी की यहाँ पे बिट आई है, ये 25 वोल्ट की शोल्डर आयरन बिट है, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक निकाल के, ये आप देख सकते हो ये 25 वोल्ट की शोल्डर आयरन बिट हो गई। यहाँ पे कुछ फ्लक्स हो गई जो कि शोल्डरिंग में यूज होती है, ये शोल्डरिंग फ्लक्स हो गई। ठीक फ्रेंड्स, तो इतने सारे टाइप्स के हमारे पास टूल्स मिलेंगे यहाँ पे। हमारे पास देखिए कैपेसिटर मिल गए, कैपेसिटर भी मिल जाएंगे यहाँ पे। ये आया है शोल्डरिंग क्लीनर पैड इसको बोलते हैं, और इसको पानी के अंदर हमें डालना होता है तो ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, फूल जाता है पानी से। तो ये शोल्डरिंग टिप क्लीनर आ गए, इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स हमें कैपेसिटर वगैरह देखने को मिल जाते हैं अलग अलग वेराइटीज़ के। यहाँ पर फ्रेंड्स LED आ जाती हैं, जैसे कि ये वाली LED हो गई, येलो LED है 3mm की, और उसके बाद ये LED हीट सिंक हो गई। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे जो है ये इस टाइप के रेनवो वायर हो गए जो कि वायरिंग में यूज होते हैं, और साथ ही ये फाइव कोर वायर है, ये 10 कोर वायर है, ये फाइव कोर वायर है, ये इन्वर्टर के अंदर वायरिंग करने के यूज में आती है, और ये नॉर्मल आप किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हो तो वहाँ पे वायरिंग कर सकते हो, ये हल्की होती है थोड़ी सी। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये कुछ टूल्स हो गए, जैसे हैक्सो हो गया, ये जिक्सो हो गया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, हमारे पास बेल्टो कंपनी का ओरिजिनल होता है। और यहाँ पे ये कुछ ग्लू स्टिक हो गई, ये भी टूल्स ही मान लो इन्हें चिपकाने वगैरह के काम में आती है। तो ये ग्लू स्टिक के पैकेट हो गए यहाँ पे 2 पैकेट, और यहाँ पे एक बॉन्ड का पूरा बॉक्स हो गया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये पूरा बॉक्स है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बॉन्ड है, और इन्हें हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्लू भी बोल देते हैं। लिक्विड प्लास्टिक जो LP होती है वो प्लास्टिक वगैरह चिपकाने के काफ़ी ज़्यादा काम में ये आती है बॉन्ड। तो ये बॉन्ड का पूरा डिब्बा हो गया 25 पीस का, ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ये बॉन्ड है, हमारे पास मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स ये शोल्डरिंग फ्लक्स हो गई, रॉबिन्सन इसको बोलते हैं, रॉबिन्सन शोल्डरिंग फ्लक्स। तो ये लिक्विड फ्लक्स होती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और काफ़ी अच्छी इसकी सेल है, तो यहाँ पे ये फ्लक्स आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो सेल होल्डर है हमारे पास, जैसे कि ये वाले सेल होल्डर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये हैं इसके 2S सेल होल्डर, इसको हम 2S बोलते हैं। हमारे पास 1S भी मिल जाएंगे, 3S भी मिल जाएंगे, 4S भी मिल जाएंगे, और 2S मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पे फ्रेंड्स ये कुछ कॉफ़ी हीटर हो गए, ये कॉफ़ी हीटर है छोटा सा, तो ये भी काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये ट्रांजिस्टर हो गए फ्रेंड्स, जैसे 30-55 के ट्रांजिस्टर हो गए। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको पहले नाइफ दिखाए थे, पेपर कटर नाइफ, उनके ये ब्लेड हो गए 10 पीस की, ये डिब्बी होती है, इसके अंदर ये 10 ब्लेड निकलते हैं। तो ये फ्रेंड्स अलग अलग साइज़ में होते हैं, 2 साइज़ में, एक छोटे और एक बड़े, और ये मैंने डाल दिए हैं अपने वर्ड में। तो आपको छोटी डिब्बी लेनी है छोटी ले सकते हो, बड़ी लेनी है बड़ी ले सकते हो, तो ये 10-10 पीस की डिब्बी आती हैं। तो यहाँ पे ये नाइफ के डिब्बी आ चुकी हैं, और काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगा, 3-4 रुपये के आसपास ब्लेड। अगर आप चाकू लेना चाहो तो 25-30 रुपये में आपको चाकू मिलेगा, लेकिन आप 3-4 रुपये का ब्लेड बदल के उसको बिल्कुल नया शार्प कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो फ्रेंड्स ये MC PCB हो गई, ये 12 वोल्ट की MC PCB है, ये नॉर्मल MC PCB जो होती है वो ड्राइवर के साथ जलती है, लेकिन ये 12 वोल्ट MC PCB है तो ये डायरेक्ट जल जाएगी। यहाँ पे आप देखो तो फ्रेंड्स कुछ ड्रिल चक वगैरह हो गए, ये ड्रिल चक है 775 DC ड्रिल चक इसे हम बोलते हैं, और हमारे पास फ्रेंड्स 385 का भी मिल जाएगा, 555 का भी मिल जाएगा, और ये 775 ड्रिल चक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो तो ये 65mm की अच्छी क्वालिटी की मोटर है, काफ़ी हाई स्पीड ये मोटर होती है, 65mm इसको बोलते हैं, और ये 12 वोल्ट ऑपरेटेड मोटर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। उसके बाद यहाँ पे कुछ वाटर पंप हमारे पास मिल जाएंगी आपको इस टाइप की, नॉर्मल यूज़ के लिए आप देख सकते हो पड़ी हुई हैं, बाइक लाइट यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे ये इन्वर्टर की PCB हो गई, ये 100 वाट इन्वर्टर किट है, और इसमें आपको ट्रांसफार्मर लगाना होगा, 12012 5 एम्पियर भी लगा सकते हो, 12012 3 एम्पियर भी लगा सकते हो इस वाली किट के साथ। साथ ही आपको हीट सिंक भी लगानी पड़ेगी, ये वाली हीट सिंक भी मिल जाएगी जो कि इन्वर्टर वगैरह के अंदर यूज होती है MOSFET वगैरह को कसने के लिए। तो ये काफ़ी चीप प्राइस में हमारे पास आपको हीट सिंक मिल जाएगी, तो ये हीट सिंक हो गई। और यहाँ पर फ्रेंड्स जिप टाई हो गई, ये जिप टाई का पूरा पैकेट है, इसमें 200 पीस होते हैं स्टैक से, तो ये जिप टाई हो गई, अलग अलग साइज़ में हमारे पास जिप टाई भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको और भी सामान दिखा दूँ तो ये वाइट कंपाउंड हो गई, ठीक है, MC PCB के साथ जिसे हम लगाते हैं LED बल्ब में, तो ये हमारे पास 15 ग्राम की पैकिंग, 50 ग्राम की पैकिंग और 100 ग्राम की पैकिंग के अंदर मिल जाएगी, तो ये वाइट कंपाउंड हो गई फ्रेंड्स। ठीक, उसके बाद आप यहाँ पर देखो तो पुश स्विच हो गए, 2 टाइप के पुश स्विच अवेलेबल है हमारे पास, छोटे और बड़े। ठीक, तो ये पुश स्विच हो गए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है।
उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स टूल्स हो गए फिर से, जैसे कि ये मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर यूज होने वाले कुछ स्क्रू ड्राइवर हो गए, इसको कलर स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स ये रेती की एक डिब्बी है, इसके अंदर फाइल भरी हुई है, और ये कुछ होल्सा हो गए जो कि ये सर्कल कटर होते हैं होल्सा, तो होल्सा भी मैंने डाल दिए हैं अपने मार्ट पे, आप वहाँ से जाके बाई कर लेना, काफ़ी चीप प्राइस में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो ये फ्रेंड्स कुछ गैस होता है, इसको हम गैस लाइटर बोलते हैं, जो कि SMD कंपोनेंट वगैरह को रिमूव करने में काफ़ी यूजफुल होता है। इस टाइप के लाइटर मिल जाएंगे, बहुत सामान मिल जाएगा अलग अलग टाइप का। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो हमारे पास मिल जाएंगे 1S के सेल होल्डर, मैंने आपको जो पहले दिखाए थे वो 2S के सेल होल्डर थे। यहाँ पे फ्रेंड्स रेजिस्टेंस किट मिल जाएंगी, ये रेजिस्टेंस किट होती हैं और इसमें 150 पीस रेजिस्टेंस निकलती हैं, 30 वैल्यू की रेजिस्टेंस होती हैं इसमें। यहाँ पे फ्रेंड्स ये ब्रीड बोर्ड हो गए, बड़े भी मिल जाएंगे छोटे भी मिल जाएंगे हमारे पास, ये बड़े वाले ब्रीड बोर्ड हो गए, और इसमें मैं आपको दिखा दूँ तो ये छोटे वाले भी ब्रीड बोर्ड हो गए। दो टाइप के ब्रीड बोर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं, छोटे और बड़े, आपकी मर्जी आप जौन सा ले सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको और भी दिखा दूँ, यहाँ पर कैपेसिटर है इसके अंदर, मैं आपको खोल के ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये कैपेसिटर हो गए फ्रेंड्स 25 वोल्ट 2200 UF के। ओके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफायर बोर्ड के अंदर ये लगे होते हैं 25 वोल्ट 2200 UF, ये कैपेसिटर हो गए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखो तो स्पेसर हो गए, ये एक स्पेसर है जो कि लिथियम बैटरी बनाने के काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है, तो ये एक स्पेसर का पूरा पैकेट हो गया 18650 किया, इसमें जो 1000 पीस स्पेसर निकलेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ एम्पलीफायर बोर्ड हो गए, जैसे आप देख रहे हो इस टाइप के BT पैनल हो गए, और कुछ इसके अंदर एम्पलीफायर बोर्ड्स वगैरह भी डले हुए हैं, ये 44-40 एम्पलीफायर बोर्ड हो गए, काफ़ी पावरफुल ये एम्पलीफायर बोर्ड है, ये आप देख सकते हो 1600 वॉट इस पर डला हुआ है, लेकिन 1600 वॉट नहीं होता है वैसे ही डाल दिया है, लेकिन है बहुत अच्छी क्वालिटी का, इसके ऊपर मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा। तो ये एम्पलीफायर बोर्ड हो गए, यहाँ पर 2-3 पीस इसके अंदर ये एम्पलीफायर बोर्ड हैं। और यहाँ पे मैं आपको और भी सामान दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ रोबोटिक्स से रिलेटेड सामान हो गया, जैसे कि जंपर वायर हो गए, यहाँ पे फ्रेंड्स जंपर वायर, ये कुछ बोल्ट एम्प मीटर हो गए, XL4016 का ये मॉड्यूल हो गए, DC to DC बूस्ट कन्वर्टर, और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आया इस टाइप के व्हील, ये आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे ये व्हील हैं, 50 किलो इनकी वेटिंग कैपेसिटी होती है, इस टाइप से 360 डिग्री ये रोटेट करते हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसमें आप इनको यूज़ ले सकते हो, ठीक है, इस टाइप के व्हील मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सामान मिल जाएगा, जैसे कि इस टाइप के टेस्टर मिल जाएंगे हमारे पास, वायर के बंडल मिल जाएंगे, पूरे बंडल के बंडल आप ले सकते हो, ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो ट्रांसफार्मर मिल जाएंगे हमारे पास 12012 2 एम्पियर 12012 3 एम्पियर 12012 5 एम्पियर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर हो गए 12012 के, और यहाँ पे कुछ जैक वगैरह हो गए, ठीक। तो फ्रेंड्स ये सारा सामान हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा एक गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा सामान आया है, पूरा बॉक्स देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा बॉक्स है, ये फ़ैन का, इसमें से एक पीस हमने निकाल लिया है अपने यूज़ के लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा ये फ़ैन है, एक 4 वोल्ट इसको बोलते हैं 4 वोल्ट, क्योंकि ये मोबाइल चार्जर से चार्ज हो जाता है, और रिचार्जेबल फ़ैन होता है इस टाइप का, ठीक, बहुत अच्छा प्यारा सा ये फ़ैन है, और यहाँ से ये चलता है, काफ़ी अच्छी इसकी हवा है, काफ़ी अच्छी इसकी स्पीड है, और ये रेगुलेट भी कर सकते हो आप इसकी स्पीड, और इसमें यहाँ पर एक टॉर्च मिलती है, साथ ही आप इसको मोबाइल चार्जर से चार्ज भी कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सारा सामान काफ़ी पसंद आया होगा, अगर फ्रेंड्स आप इसको काफ़ी चीप प्राइस में बाई करना चाहते हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हो, कैपेसिटर हो, डायोड हो, बैटरीज हो, लिथियम सेल्स हो, या फिर स्पेसर हो, ब्रीड बोर्ड हो, मोटर हो, वाटर पंप हो, बाइक लाइट हो, फैन हो, वायर्स हो, रोबोटिक्स का सामान हो, A to Z सारा सामान हमारे पास मिल जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।